वॉर के बाद इंसान का लाइफ काफी मुश्किल होता है, इसलिए अपना हीरो जेकब वियतनाम वॉर से वापस आने के बाद अपनी सैनिटी बनाए रखने के लिए काफी स्ट्रगल करता है। हैलुसिनेशंस और फ्लैशबैक से परेशान जेकब जल्द ही बिखरने लगता है, क्योंकि उसके आसपास का दुनिया और लोग अजीब और डरावने इमेजेस में बदलने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी एक्स वाइफ मिल करके उसको हेल्प करने का कोशिश करती है, पर ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। मूवी देखते वक्त आप क्वेश्चन करने लगेंगे कि भाई ये जिंदा भी है कि मर गया है। मूवी में सारा क्लूज आपके सामने होगा, लेकिन आप सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वैसे 2019 में इस मूवी का एक रीमेक भी बना था, लेकिन उस मूवी को भूल से भी मत देखिएगा, क्योंकि 1990 का जेकब्स लैडर एक मास्टरपीस है जिसका रीमेक का कोई जरूरत ही नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई साईफाई मूवी या थ्रिलर मूवी ही बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, कभी कभी ड्रामा मूवीज भी ऐसा बन जाता है जो आपका होश उड़ा देता है। ऐसे ही अपना नेक्स्ट मूवी जहाँ एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स का कहानी है जिसका सेंटर प्लॉट रेसिज्म पे है, क्योंकि मूवी में व्हाइट, ब्लैक, कोरियन, लटिनोस, इरानियंस, रिच, पुअर, हर तरह के लोग हैं। ये मूवी एक एहसास है जिसको देखकर आपको एक सेंस ऑफ टच फील होगा, क्योंकि ये मूवी आपको लिटरली टच कर देता है। अब ऐसे ही थोड़ी ना 2004 के इस मूवी क्रैश को 3-3 ऑस्कर मिला था, जिसमें से एक बेस्ट मूवी के लिए भी था। 2013 में एक ऐसा मूवी आया था जो साईफाई की दुनिया में बहुत ही अंडररेटेड है और जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। एक कंप्यूटर जीनियस एक ऐसा थ्योरम को प्रूव करना चाहता है जहां वो ये प्रूव कर सके कि लाइफ और यूनिवर्स बेसिकली एक वॉइड है, एक खालीपन है, जीरो, शून्य। लेकिन इसको प्रूव करते करते उसको लाइफ का एक अलग ही मीनिंग मिल जाता है। वैसे ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इसका स्लो पेस आपको बोर कर सकता है, लेकिन जो लोग मूवीज लाइक ब्राजील एंड 12 मंकीज के फैन हैं, उनके लिए 2013 का दैट जीरो थ्योरम एक मास्टरपीस है। अब इस मूवी में अपनी हीरोइन को मोरक्को में गोली लग जाता है, और इस इंसिडेंट से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होता है जहां टोटल 4 फैमिलीज अक्रॉस 3 कंट्रीज कनेक्ट हो जाते हैं। मूवी का ट्रेलर देख के आपको लगेगा कि ये एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न वॉर स्टोरी है, लेकिन आप हर एक मिनट गलत प्रूव होते रहेंगे। लैंग्वेज बैरियर्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है और कैसे वो आपके लाइफ को चेंज कर देता है, ये चीज इस मूवी में एक बियॉन्ड इमेजिनेशन वे में बताया है, जिसको देखने के बाद लैंग्वेज बैरियर्स और मिसकम्युनिकेशन को आप एक अलग नजरिए से देखेंगे। इसलिए भूल से भी 2006 के बेबल को मिस मत कीजिएगा। एक जुड़वा भाई बहन को उसकी माँ मरने के बाद 2 लेटर्स छोड़ जाती है। एक सील्ड लेटर बेटी को दे दिया जाता है, लेकिन ये लेटर उसके लिए नहीं है, ये लेटर उसको अपने बाप को डिलीवर करना है, जिसको वो जानती तक नहीं है। और दूसरा लेटर बेटा को मिलता है, और वो लेटर उसके अपने भाई को देना है, जबकि वो जानता ही नहीं था कि उसका कोई भाई भी है। अब ये दोनों जुड़वा भाई बहन अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं अपने बाप और अपने भाई को खोजने और उस लेटर को डिलीवर करने, और इस जर्नी में ऐसा ऐसा चीज एक्सपीरियंस करते हैं ये लोग, जिसको देखकर आपका दिल भर आएगा। ये एक स्लो बर्न मूवी है जो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इस मूवी की दुनिया में आप ऐसा खो जाएंगे कि मूवी खत्म होने के बाद आप एक गहरी सोच में चले जाएंगे, जिससे बाहर निकलने के लिए आपको काफी टाइम लग जाएगा। वैसे ये मूवी डेनिस विलेन्यूव का है, जो मूवीज लाइक अराइवल, ब्लेड रनर और ड्यून बनाए हैं, इसलिए भूल से भी उनका एक और मास्टरपीस 2010 के इंसेंडीज को मिस मत कीजिएगा। एक ऐसा हॉरर मूवी जिससे आपका रूह कांप जाए, तो समझ जाओ रातों की नींद उड़ने वाली है। ऐसे ही एक मूवी है जहां एक ट्रेजेडी के बाद एक फैमिली में अजीबोगरीब हादसा होने लगता है। सुनने में ये एक टिपिकल हॉरर स्टोरी है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बाप लेवल का है, जहां आपको जंप स्केयर्स जैसे चीप हॉरर नहीं मिलेगा, बल्कि एक जबरदस्त बिल्डअप वाला हॉरर मिलेगा, जो आपको इंपेशेंट कर देगा टीवी बंद करने के लिए, लेकिन डर से आप रिमोट को टच भी नहीं करेंगे। 2018 का हेरिडिटरी द शाइनिंग जैसे क्लासिक हॉरर मूवी से रिलेट करता है, जहां मेंटल इलनेस सेंटर स्टेज पे है, लेकिन मूवी में जिस तरह का परफॉर्मेंस एक्टर्स ने दिया है, वो इस मूवी को और भी स्कैरी बना देता है। वैसे कुछ मूवीज होता है जिसका एंडिंग समझने के लिए गूगल का हेल्प लेना पड़ जाता है, और शायद उसके बाद भी आपको वो मूवी समझ में ना आए या फिर कन्विंसिंग ना लगे। कन्विंसिंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन मूवी को लेकर कुछ और रहता है, और यही तो गोल रहता है डायरेक्टर्स का, ऑडियंस को कंफ्यूज करने का, मूवी के बारे में बात करते रहने का। ऐसे ही एक मूवी है 2007 का अटोनमेंट, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन लव स्टोरी कम वॉर स्टोरी है, जहां 3 लोगों का आपस में जिंदगी
डिफरेंट टाइमलाइंस और डिफरेंट सेटिंग्स में इंटरकनेक्टेड रहता है। एक झूठ या फिर नादानी कैसे एक इंसान का पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, ये मूवी आपको एक जबरदस्त वे में दिखाता है, जहां आपको इस मूवी से लिटरली प्यार हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस मूवी में एक ऐसा मूवी का रीमेक बन रहा है जिसके ओरिजिनल मूवी को बनाते वक्त एक्टर्स का मर्डर होता रहता था। बेसिकली इस मूवी में ही किसी मूवी का रीमेक बन रहा है, तो अब ये रीमेक तो कैसे भी बन रहा है, लेकिन अब इस मूवी के प्रोडक्शन के टाइम भी भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगता है। डेविड लिंच, जो बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज लाइक मलहोलैंड ड्राइव बनाए हैं, उनका ये 2006 का साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी इनलैंड एम्पायर आपको हिला कर रख देगा अपने ग्रिपिंग प्लॉट एंड डायरेक्शन से। वैसे अगर आपको लाला लैंड जैसा मूवीज पसंद है, तो भाई एडम ड्राइवर का ये मूवी आपको दीवाना बना देगा। ये मूवी एक सपना की तरह, एक ड्रीम की तरह है, जिसको देखते वक्त आप कहीं खो जाएंगे। ये मूवी स्पेशल ऑडियंसेस के लिए है, इसलिए शायद हर किसी को ये मूवी पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो लोग जो मूवीज में मीनिंग ढूंढते हैं वो इस मूवी के फैन हो जाएंगे। दो आर्टिस्ट और उनके बच्चे का ये बियॉन्ड इमेजिनेशन लव स्टोरी को ऐसा प्रेजेंट किया है जो अपने आप में एक पैराडॉक्स है, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए अपने आप को चैलेंज कीजिए और 2021 के एनेट को देखिए और फील करने का कोशिश कीजिए। कोई भी बियॉन्ड इमेजिनेशन लिस्ट एक कोरियन मूवी के बिना अधूरा सा लगता है, इसलिए लिस्ट का लास्ट मूवी एक ऐसा कोरियन मूवी है जो आपको हिला कर रख देगा। एक गांव में एक आउटसाइडर आता है किसी काम से, और उसके आते ही उस गांव में अजीब अजीब हादसा होने लगता है। एक तरह से एपिडेमिक आ जाता है उस गांव में, लोग अजीब अजीब तरह से अजीब अजीब बीमारी से मरने लगते हैं। अब इसी में अपना हीरो जो पुलिस वाला है, अब मिशन पे लग जाता है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के, आखिर इस एपिडेमिक को कैसे रोका जा सके और उस आउटसाइडर का इस एपिडेमिक से क्या लेना देना है। 2016 का द वेलिंग को अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा अभी, तो टॉप रिजल्ट्स में आपको यही मिलेगा कि आखिर इस मूवी के एंड में हुआ क्या था। मूवी का प्लॉट तो स्पून फीड करता है डायरेक्टर, लेकिन इसका एंडिंग ऐसा है कि आप उसका मल्टीपल सिनेरियोस बना सकते हैं। ये जबरदस्त हॉरर थ्रिलर आपका वन ऑफ द फेवरेट कोरियन मूवीज बन सकता है, इसलिए वेट मत कीजिए, अभी जाकर इस मूवी को देखिए। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक, एक्स एंड थ्रेड्स पे या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।